हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आप सबकी रिक्वेस्ट पर सारे ड्रैपिंग वीडियो। आप सबको जानना था, बहुत सारी मेरी सब्सक्राइबर्स है, सब्सक्राइबर्स नहीं बोलूँगी, मेरी फैमिली बोलूँगी, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं यूट्यूब के, जो कि चाहते थे कि मैं सारे ड्रैपिंग वीडियोज़ बनाऊँ। जो पहले भी मैं 2-3 वीडियो बना चुकी हूँ, बट फिर भी वो लोग चाहते थे जो मैं डेली यूज़ सारी कर सकती हूँ वो वीडियो बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं मेरे ये डेली, आप ऐसे साड़ी डेली यूज़ पे पहन सकते हैं। बहुत एक बार आप अगर ऐसे पिनअप कर ले तो साड़ी खुलने का डर नहीं रहता है। और मेरा जो ये ब्लाउज़ है, ये फ्लोरल ब्लाउज है गाइस। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे साड़ी को टक कर लूँगी अच्छे तरीके से। हम साड़ी को जितने टाइट से टक करेंगे उतना ही साड़ी हमारा फिटिंग लगेगा और अच्छा लगेगा। अगर हम थोड़ी सी हेल्दी हैं तो अगर हम फिटिंग साड़ी पहनते हैं तो साड़ी बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि हम बहुत ज़्यादा हेल्दी है। बिल्कुल फिटिंग साड़ी हमें पहनना चाहिए, हमें ज़्यादा ढीले ढले साड़ी नहीं पहनना चाहिए। और पेटीकॉट भी हमें बहुत ज़्यादा लेयर वाला नहीं पहनना चाहिए। ज़्यादा लेयर वाला पहनने से साड़ी बहुत फैला फैला लगेगा, आपको एक जो फिनिशिंग टच चाहिए वो आपको नहीं लगेगा। सो आप यहाँ देख सकते हैं मैं फाइनली पूरे अच्छे तरीके से आगे पीछे करके मैं टक कर चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं अब पल्लू का मैं बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे पल्लू को अभी, पहले मैं पल्लू नहीं बनाती हूँ, मैं पल्लू को सेट करके मैं अपने शोल्डर पे डाल देती हूँ। और उसके बाद पहले मैं नीचे वाला प्लेट रेडी करती हूँ, उसके बाद मैं ये प्लेट रेडी करती हूँ। मुझे ईजी लगता है ऐसे करना, बिकॉज़ बहुत जल्दी जल्दी साड़ी पहन लेती हूँ ऐसे ईजली। और ये जो साड़ी है आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप के जर्जर सिफॉन के साड़ी में आप डेली यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं रहता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे साइड से साड़ी को टक कर लिया है, उसके बाद मैं करूँगी प्लेट। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे एक पिन से इसको टक कर लूँगी, अच्छे से सिक्योर कर लूँगी पिन से। तो अब यहाँ पे मैं प्लेट बनाऊंगी, तो चलिए फटाफट प्लेट बनाती हूँ। प्लेट बनाने में आपको इतना ध्यान देना है, आगे वाला जो सबसे फर्स्ट प्लेट बनाएंगे वो थोड़ा सा हम बड़ा बनाएंगे, उसके बाद उसका छोटा छोटा लेयर बनाएंगे। उससे क्या होता है ना, बड़े वाले प्लेट से वो छोटे वाले प्लेट बहुत ही इक्वल हो जाता है, बहुत सुंदर लुक आता है फ्रेंड्स। और बिल्कुल टाइट फिटिंग करके हम साड़ी पहनेंगे जो ईजली बहुत ही सुंदर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। एनीवे गाइस, आपको आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो न्यू चैनल पे आए वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियोस को फुल वॉच कीजिएगा। तो मैं इसको ऐसे करके प्लेट कर लूँगी और प्लेट करने के बाद मैं टक कर लूँगी। और आप लोग के साथ मैं 5 मिनट के अंदर अंदर साड़ी पहनने का मैं आप सबको बता रही हूँ। इस तरीके से आप देख रहे हैं मैंने इसे अच्छे से टक कर लिया है, उसके बाद मैं इसे पिन से सिक्योर कर दूंगी। आप चाहे तो बहुत तरीके का पिन आता है, आप जब भी चाहे जैसा आप पिन ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर डिपेंडेंट है। बट मैं इस तरीके की ही पिन लेती हूँ, बिकॉज़ इससे बहुत अच्छे से पिन सेटअप हो जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे नीचे वाला प्लेट रेडी कर लिया है, अच्छे से सेट कर लिया है। और ये डेली यूज़ साड़ी है जर्जर सिफॉन का, आप ईज़ली इसको पहन सकते हैं, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं होता है पहनना। फिर भी आप सबकी रिक्वेस्ट थी तो मैंने सोचा कम्प्लीट करना तो बनता है मेरा, है ना। तो उसके बाद मैं यहाँ पे अब ऊपर वाली प्लेट रेडी करूँगी, तो इसको एक सा मैं कर लूँगी। ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, और जितना हल्का साड़ी रहता है ना उतना इजी रहता है प्लेट बनाने में। सो आप देखिए मेरे ये प्लेट रेडी हो चुका है, अब मैं पिनअप कर लूँगी प्लेट से। और पीछे के साइड से भी आपको ध्यान देना है कि बैक साइड से भी आपको अच्छे से पिन सेटअप करना है, बिकॉज ऐसा नहीं कि फ्रंट ही अच्छा दिखना है, बैक भी उतना ही अच्छा दिखना है जितना कि फ्रंट अच्छा दिखे। तो बैक में भी साड़ी, अगर आप जैसे पीछे आप फोटो क्लिकिंग करवा रही हैं या फिर कहीं जा रही हो, तो बैक साइड से भी अच्छा लगता है, एक फिनिशिंग आता है, फिनिशिंग टच लगता है, बहुत ही सुंदर और प्यारा लुक आता है। और ये जो मेरा ब्लाउज़ है, ये फ्लोरल ब्लाउज़ मैंने सिलवाया है, इसका फ्लोरल ब्लाउज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फाइनली मतलब चिपका चिपका सा मुझे ब्लाउज़ नहीं लगता है, तो मैंने इस पर फ्लोरल ब्लाउज़ सिलवाया था। आई होप कि आपको मेरी ये साड़ी पसंद आ रही होगी, फ्लोरल ब्लाउज़ पसंद आ रहा होगा गाइज़। तो मेक श्योर लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फाइनली देख सकते हैं 5 मिनट के अंदर मैंने साड़ी पहन लिया है, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मुझे साड़ी पहनने में, और आप सबको भी नहीं लगेगा फ्रेंड्स अगर आप लोग इस तरीके से साड़ी पहनिएगा। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आया है साड़ी का।
ये साड़ी बहुत इजी पहन सकते हैं। और आप लोग की बहुत सारी रिक्वेस्ट है साड़ी की, तो मैं वो जल्द से जल्द कंप्लीट करूँगी। कॉटन साड़ी आप लोग कह रहे हैं, सिल्क की साड़ी कह रहे हैं पहनने के लिए, तो मैं जल्दी आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट करूँगी। कैसे हम कॉटन साड़ी को 5 मिनट में ईजिली पहन सकते हैं वो भी आप लोग के साथ दिखाऊँगी। तो गाइज़ आई होप कि आप लोग को अच्छा लग रहा हो। तो ये सिर्फ बताया मैंने, सिर्फ फ्रंट लुक ही नहीं है, हमें बैक लुक भी अच्छे से दिखाना है, अच्छे से टचअप करना है। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो लाऊँगी आप लोग के लिए, फिर से साड़ी की लाऊंगी। और मेरा ब्लॉगिंग सुबह 6 बजे आता है, तो प्लीज़ मेरा ब्लॉगिंग सुबह 6 बजे देखा कीजिए। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, कमिंग सोन, जल्दी वीडियो लेके आऊँगी आप सबके लिए। चलिए बाय बाय।